रिसेंटली अभी कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने कुछ चीजें आपसे पूछी थी और कुछ वोटिंग कराई थी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एचआर के अलावा भी आप सीखना चाहते हैं, और वो जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आज ये सेशन बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने वाली हूँ मैं, कोई भी फालतू बात नहीं, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट का सेशन है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत छोटा सा सेशन है, और ये है क्या, ये है फर्स्ट सेशन जिसके बाद मैं और भी ऐसे टाइम मैनेजमेंट पे सेशन लाऊंगी। एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में। और दूसरा चैनल मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश चाहिए उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज बात करेंगे हम किसके बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में मैं ये नहीं कहूंगी कि क्यों मैनेज करना जरूरी है। अगर आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं तो आपके जो 24 आवर्स हैं वो आपको जरूरी है देखने कि आप कहाँ स्पेंड करते हैं। तो एक चीज जो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाली हूँ इस सेशन में और बताने वाली हूँ कि आपको वो कैसे करनी है, वो करके देखिए। 24 आवर्स बाद मुझे यही इसी पोस्ट पर जरूर कमेंट करें, मतलब जब भी आप सेशन देखते हैं तभी बताएं 24 आवर्स ये करने के बाद कि क्या ये हेल्पफुल हुई या नहीं हुई। आपको क्या करना है, मॉनिटर योरसेल्फ फॉर 24 आवर्स, यस, जब से भी आप करना चाहें। मतलब अगर आप ये सेशन देख रहे हैं आज 6 बजे, 8 बजे या 9 बजे, उसके बाद अगर आप कहते हैं 24 आवर्स आप सुबह से, नेक्स्ट डे के सुबह से मॉनिटर करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट डे के सुबह से उससे नेक्स्ट डे के सुबह तक 24 आवर्स अपने मॉनिटर करके देखिए। यस, कहीं से भी उठा लीजिए और 24 घंटे मॉनिटर करिए आप उसमें क्या क्या करते हैं। और एक शीट बना लीजिए, एक नॉर्मल, चाहे आपका नोटपैड हो, चाहे कोई पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, मैं ये एडवाइस करूंगी कोई आपका नोटपैड हो जिसमें आप नॉर्मल नोटिंग्स करते हो, कुछ लिखते हो, पढ़ते हो, वहां पे करें, बिकॉज हो सकता है ये आपके बहुत ज्यादा आगे भी काम आए इसमें कुछ चीजें ऐड करने के लिए और देखने के लिए, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज 24 आवर्स अपने आपको मॉनिटर करना है और साथ साथ लिखते जाना है। कैसे लिखना है, क्या कर रहे हैं, मतलब कितना टाइम किस एक्टिविटी में स्पेंड किया। जैसे अगर आप सोते हैं 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स एग्जाम्पल के लिए, तो आपको क्या करना है, स्लीप, सबसे पहले सीरियल नंबर आ गया, फिर उसके बाद आपके पर्टिकुलर्स, एंड देन उसके बाद आपके आवर्स आ गए, फिर आएगा एक कॉलम पर्पस का, और आगे भी हम बात करते रहेंगे कि इसमें कॉलम्स बढ़ाने हैं या नहीं या दूसरी शीट बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर, उसके बाद आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, और फिर आ गए हमारे आवर्स स्पेंट एंड पर्पस, राइट। तो चलिए सबसे पहले आ गया हमारा स्लीप। जैसे हमने स्लीप कितनी ली, हमने ली 7 आवर्स की स्लीप, तो उसके आगे लिख दिया 7 आवर्स, पर्पस यूजफुल या फिर नॉट यूजफुल, ठीक है। तो एन यू या यू आपको मेंशन करना है। अब ऑब्वियसली स्लीप यूजफुल चीज है, राइट, तो उसको हमने लिख दिया यू। उसके बाद आता है जैसे कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब मैंने ये ऐसे करा है कि आपने नाइट से मॉनिटर करना स्टार्ट करा, तो मॉर्निंग जैसे आप उठे, जैसे ब्रेकफास्ट है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, वो आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट कितना टाइम स्पेंड करा, 30 मिनट्स, 0.3 या फिर 30 मिनट्स आप लिख सकते हैं। यूजफुल है, ऑब्वियसली यूजफुल है, राइट, तो हमने यूजफुल लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आए, क्या करा हमने, उसके बाद हमने ना अपना मोबाइल उठाया और अब हमने नोटिफिकेशंस एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। 5 मिनट तो कुछ काम की चीज देखी, फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें देखी जैसे देख के ना रहा ही नहीं गया, तो वो आता है हमारा फोन स्क्रॉलिंग, ठीक है। फोन स्क्रॉलिंग करनी स्टार्ट करी, सोचा तो था 5-10 मिनट चलेगा, लेकिन क्या हुआ, 10 बजे बैठी थी, 11-12 बज गया, 2 आवर्स निकल गए, ठीक है। अब क्या करना है, फोन स्क्रॉलिंग 2 आवर्स, यूजफुल या नॉट यूजफुल, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। सेम वे यूट्यूब व्लॉग्स, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, राइट, इसको अलग अलग जरूर स्पेसिफाई करेगा, खाली फोन स्क्रॉलिंग में नहीं। फोन स्क्रॉलिंग तो ये थी कि हमने सब कुछ ऐसे ही ऐसे अपने फोन में जितने भी एप्स हैं जो भी हैं वो सब देखा, लेकिन जब हम आए इंस्टा पे आए तो इंस्टा पे हमें कितना टाइम लग गया, 1-2-3 घंटे लग गए, तो प्लीज उसको जरूर नोट करिए अलग से। ऐसे ही यूट्यूब पे आए, शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, उसको अलग से नोट कीजिए, राइट। यूजफुल है या नॉट यूजफुल है ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए पर्पस के बाद ना एक कॉलम और बना लेते हैं, क्योंकि अभी तो आपने शीट बनाई नहीं है ना, तो मैं एक कॉलम और इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, टाइम वेस्टेड, ठीक है। ये कॉलम और बना लीजिए और यही के आगे आगे टाइम वेस्टेड भी लिखते जाइए। कैसे लिखना है टाइम वेस्टेड, अब टाइम वेस्टेड कौन सा वाला हुआ, ऊपर तो सब कुछ सही था, ब्रेकफास्ट और स्लीप व्लीप सब सही चल रहा था, ये जो फोन स्क्रॉलिंग है ना उसमें जो 2 आवर्स थे उसमें से शायद 5 मिनट ही सही थे या फिर हाफ एन आवर ही ठीक था, तो 1.5 घंटा टाइम वेस्टेड, राइट।
इंस्टा की रील्स देखी, कोई एजुकेशनल रील्स थी तो ठीक है, 2-4-5 मिनट, 2 घंटे निकाल दिए, तो 5 मिनट रिड्यूस कर लीजिए और उसको लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे ही पूरे दिन की एक्टिविटी मॉनिटर करिए, जितना फिल्टर करते जाएंगे, जितना इसे कम करते जाएंगे ना, उतना आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि एक्चुअली में आप कितना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना यूजफुल एक्टिविटीज में लग रहा है और कितना नॉट यूजफुल एक्टिविटीज में लग रहा है। बस तो आई थिंक ये सेशन मैंने 5 या 6-7-8 मिनट का ही प्लान किया था, बहुत ही छोटा, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता तो आप बिल्कुल भी नहीं देखते। प्लीज इस एक्टिविटी को करके देखिए और फिर उसके बाद मुझे जरूर बताइए कि क्या एनालिसिस निकला है आप लोगों का, राइट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम शेयरिंग करते हैं, और जैसा मेरा नाम चैनल का नाम है, मेरे चैनल का नाम है वो है रेडी टू गेट अपडेट, तो मैं भी अपडेट होना चाहूंगी कि आप लोग अपने टाइम को कैसे यूज करते हैं, राइट। और ये सबसे पहला पार्ट है, हम जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारे जो 24 घंटे हैं वो हम कैसे यूज करते हैं, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। सेम वे अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के 9 आवर्स और आपका वो ड्राइविंग का टाइम और ड्राइविंग के बाद का वो चैटिंग वाला टाइम स्टार्टिंग का और इवनिंग का, ऑफिस से आते समय इधर उधर घूमने वाला टाइम, किसी के साथ ऐसे ही घूमने वाला टाइम, राइट, वो सारी चीजें मॉनिटर करिए, ठीक है। तो एक एक छोटी सी छोटी चीज, डिनर का टाइम, डिनर के बाद वॉक का टाइम, डिनर के बाद फिर अगर आप किसी कॉल वॉल में लगे हुए हैं तो उसका टाइम, सोने गए लेकिन सोने के वक्त आप चैटिंग में लगे हुए हैं वो टाइम, राइट, तो वो स्लीपिंग में नहीं आएगा। आप अगर ये सोचो कि आप लेट गए हैं 10 बजे और आप सोए 12-1 बजे जाके बिकॉज आप चैटिंग कर रहे थे, कॉल्स पे थे, वीडियो कॉल्स पे थे, वो सारा टाइम नोट करिए क्योंकि वो स्लीपिंग टाइम में नहीं आएगा डियर, ठीक है। तो चलिए ये सब करिए और उसके बाद मुझे बताइए, फिर मैं बहुत अच्छे टिप्स भी देने वाली हूँ। सबसे पहले जो मैं टाइम मैनेजमेंट का स्टार्ट करती हूँ, जो मैंने अपने लिए भी करा है, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी टाइम मैनेजमेंट के लिए, जो मैं अपने लिए डेली करती हूँ, मैं वहां की बात कर रही हूँ, मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, और वो ये है कि पहले मॉनिटर करना, पहले ये रियलाइज तो हो कि हम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप सो हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं, मैं बहुत ज्यादा डेस्परेटली वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।